सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर या तो अपने माउस है वो खराब हो जाता है या लैपटॉप के अंदर टच पैड है वो खराब हो जाता है, तो हम लोग अपने मोबाइल फोन को एज ए माउस एज ए टच पैड है वो कैसे यूज करने वाले हैं, तो आज के स्टूडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, और हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें वो जरूर करके जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप करें देखें, इससे क्या होगा आप प्रॉपरली एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे जिससे आपका प्रॉपर है वो वर्क करने लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को प्रॉपर नहीं देखते, स्किप करके देख लेते हैं बट फिर उनके प्रॉपरली फोन है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वीडियो को स्किप बिना किए हुए देखना आपको वीडियो को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपको ये ऐप है वो सिंपली अपने फोन के अंदर है वो इंस्टॉल कर लेनी है। फोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, अपने लैपटॉप के अंदर भी सेम टू सेम यही ऐप है वो आपको इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप के अंदर। बाद में आपको सिंपली करना क्या है, गूगल पे जाना है, माउस सर्वर नाम से आपको ये ऐप है वो अपने लैपटॉप के अंदर है वो डाउनलोड करनी है। तो मेरे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों ऐपों का लिंक मिल जाएगा, इजीली आप वहां से भी डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो सिंपली आप करना क्या, आप यहाँ पे वो ऐप है वो आ चुकी है फोन के अंदर, मेरे वो ऐप है वो डाउनलोड हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सिंपली करना क्या है, आपको अपने लैपटॉप के अंदर ये माउस सर्वर है इसको ओपन कर लेना है। तो ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है और अपने फोन का जो हॉटस्पॉट है, दिखा देता हूँ आपको, आपका जो फोन का हॉटस्पॉट है वो ऑन होना चाहिए और लैपटॉप के अंदर है वो कनेक्ट होना चाहिए आपका फोन का हॉटस्पॉट, ध्यान रहे। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और यहाँ वाईफाई से है वो अपने लैपटॉप का वाईफाई है वो कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ये ऐप है वो ऑन कर लेनी है। तो ये देखिए मैं अपने इसमें ऐप है वो ऑन कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईपी एड्रेस एंटर करना है, तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैं आऊंगा देखो लैपटॉप के अंदर, तो ये देखो ये आईपी एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है, तो आपको गौर से देख पा रहे हो तो ये आईपी एड्रेस आ रहा है। ये आईपी एड्रेस मैं अपने फोन के अंदर है वो डालने वाला हूँ। तो क्या आईपी एड्रेस है देखिए आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए 192.168.28.190। तो ये देखिए ये आईपी एड्रेस है वो मैंने अपने फोन के अंदर डाल लिया और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिंपली ऐसे रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो मैं इसको जैसे जैसे यूज करूंगा तो ये एज ए ये देखिए अब मैं अपने फोन को देखो इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो इसका आपका क्रशर है वो प्रॉपरली देख रहा हूँ, आप लैपटॉप के अंदर है वो क्रशर हिल रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जैसे राइट और लेफ्ट जो क्लिक है आपको अपने लैपटॉप का, ये जो क्लिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्लिक सेम टू सेम इसी फोन के अंदर भी यहाँ पे आते हैं। तो देखिए मैं ये क्लिक करूंगा तो वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, तो देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे ये दबा रहा हूँ तो ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। देखो वापस मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये देखिए वहाँ पे रिफ्रेश आ जाता है। यहाँ पे देखो फिर से मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ और वहाँ पे भी आपको वो रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आ जाता है, वो हो चुका है। ये देखिए ये क्रसर है वो हिल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जबकि राइट और लेफ्ट वाले जो क्लिक हैं वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही मैं ये वाला क्लिक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए लैपटॉप पे नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फोन के अंदर कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन है वो आ जाता है। तो अपने फोन से आप इस तरीके से रिफ्रेश है वो कर सकते हो, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो रिफ्रेश हो गया, फिर मैंने ये किया तो ये देखो ये हो रहा है, तो इजीली ये वो कनेक्ट हो जाता है। लैपटॉप का टच पैड है वो आप एक एज ए फोन में भी यूज है वो कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस तरीके से आप अपने फोन को एज ए माउस पैड है वो यूज कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको नॉलेज मिला होगा, तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।